हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। अपनी जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं और जेईई का ये अपना जो है पेपर है पाँच, पेपर नंबर सेट है पाँचवा जनरल साइंस का। और ये जो क्वेश्चन सर लिए हैं वो लिए एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की एग्जाम से 21/12/2014 को आयोजित की गई थी, उसका ग्रीन सेट है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, सीमेंट और वाटर के बीच के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया उसका क्या नाम है? ऑप्शंस के अंदर दे रखा है हाइड्रेशन, क्लोरीनेशन, कैल्सीनेशन, नन ऑफ दीज। हाइड्रेशन इसको बोलते हैं अपन जलीयकरण बोलते हैं। ओके, क्लोरीनेशन हो गया और ये जो कैल्सीनेशन है इसको हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। तो देखो, सीमेंट और वाटर के अंदर, सीमेंट होता है जैसे उसके अंदर वाटर डलेगा तो वो क्या होगा, हार्डनेस आने लग जाएगी उसके अंदर, धीरे धीरे वो टाइट होने लग जाएगी। सीमेंट है, सीमेंट के अंदर वाटर मिलते हैं, उसके अंदर जो हार्डनेस आती है यानी कठोरता आती है वो ही कहलाती है, यही प्रोसेस कहलाती है हाइड्रेशन। ध्यान देना, सीमेंट के अंदर वाटर मिलते जो उसके अंदर हार्डनेस या कठोरता आने का गुण होता है वही कहलाती है हाइड्रेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जलीयकरण। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन। और जैसे ही सीमेंट के अंदर पानी मिलता है तो उसके अंदर ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा निकलती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 120 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 120 कैलोरी पर ग्राम। सीमेंट के अंदर पानी मिलने के बाद में जो ऊष्मा निकलती है होती है वो होती है 120 कैलोरी पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता जो मापी जाती है किसके ऊपर मापी जाती है? ऑप्शन है बेरोमीटर स्केल, पायरोमीटर स्केल, टेकोमीटर स्केल, रिएक्टर स्केल। तो देखो, इसका जो अपना आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स CHARLES चार्ल्स रिएक्टर ने, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ा रिएक्टर स्केल। और ये कब हुआ था? 1935 के अंदर। ध्यान देना, सन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में 1935, और इसके ऊपर मार्किंग पूछी जा सकती है। जो रिएक्टर स्केल होती है उसके ऊपर मार्किंग होती है 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की इसके ऊपर मार्किंग की जाती है। अब देखो, दूसरी बात हम इसमें और कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, या कभी सुना होगा सिस्मोग्रामी, ग्राफी, ग्राफी बोल देते हैं इसको। और एक नाम सुना होगा सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राम भी एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, डिफरेंस ही पूछा जाता है। देखो, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा अपन जो तीव्रता है मेजर करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट हो गया। सिस्मोग्राम हो गया, एक रिकॉर्ड कहलाता है, यह कहलाता है रिकॉर्ड। सिस्मोग्राफी क्या कहते हैं? स्टडी को बोलते हैं, भूकंप की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, सिस्मोग्राफी स्टडी, वो स्टडी हो जाएगी, और सिस्मोग्राम हो गया इसका रिकॉर्ड्स हो गया। रिएक्टर स्केल जिसके ऊपर अपन तीव्रता मेजर करते हैं। नेक्स्ट बैरोमीटर स्केल होती है, बैरोमीटर के द्वारा अपन प्रेशर मेजर करते हैं। पायरोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मेजर करते हैं, ध्यान देना टेम्परेचर। और इसके अंदर थर्मल रेडिएशन काम में लिया जाता है, थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन का मतलब होता है कि इसके द्वारा जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट की उसमें वो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसकी सरफेस को टच नहीं करते बल्कि रेडिएशन के द्वारा मेजर करते हैं। टेकोमीटर के द्वारा स्पीड मेजर की जाती है रन पर मिनट में, RPM के अंदर, ध्यान देना टेकोमीटर के द्वारा स्पीड मेजर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर्ड इन, जो ध्वनि की साउंड होता है अपना उसकी जो लाउडनेस होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? ऑप्शन है रिएक्टर के द्वारा, टेस्ला के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा। तो जो अपना आंसर हो जाएगा डेसिबल, DB। ओके, मतलब जो नॉइज होती है, शोर होता है, उसकी जो तीव्रता अपन मेजर करते हैं वो डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। रिएक्टर स्केल की बात करें, अभी हमने देखा था भूकंप की तीव्रता मापते हैं। टेस्ला क्या होता है? देखो, अपने चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट होती है वेबर। ओके, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं इसी का नाम टेस्ला है। तो ये किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। फ्रीक्वेंसी की होगी हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी और अपना जो टाइम होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, टाइम सेकेंड के अंदर और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा डेसिबल, DB। टू बल्ब आर रेटेड 100 वाट, दो बल्ब है, दोनों की रेटिंग सेम है। इफ़ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि इन दोनों को श्रेणी के अंदर कनेक्ट कर दिया जाए किसके अक्रॉस? एक सप्लाई होता है 220 वोल्ट, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई द बोथ द बल्ब वुड बी, तो दोनों बल्ब के द्वारा कंज्यूम्ड पावर बतानी है। दो बल्ब है, एक और एक, दोनों को एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया,
ये है 220 वोल्ट और इसकी है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका भी 100 वाट 220 वोल्ट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें ये डायरेक्ट दे रखा हो आपको 220, यहाँ पे भी 220, यहाँ पे भी 220, यानी ये सेम हो, तो डायरेक्ट इसको आप P1 मान लो, इसको P2 मान लो और इसको, तो ये P1 पावर हो गई। अब डायरेक्ट आपको जो टोटल कंज्यूम पावर है सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो आपको बता देना P1 इंटू P2 अपन में P1 प्लस P2। अगर ये सब सेम हो तब तो P1 इंटू P2 कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 100 अपन में 100 प्लस 100, तो 100 प्लस 100 हो गया 200 200, ये 20 कैंसिल, 2 का इसमें गया 50, तो अपना आंसर आ जाएगा 50। आपको पता नहीं है तो अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे, एक है इसका क्या है पावर दे दी आपको 100 वाट, वोल्टेज दे दी आपको 220 वोल्ट, यहाँ से आर निकालो, आर हो गया वी स्क्वायर अपॉन में पी, इसी से निकालोगे वी स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन पी करोगे तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 22, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 इंटू 22, यानी कितना हो जाएगा 484। अब एक रेजिस्टेंस और रहेगा क्योंकि दो बल्ब है तो उसका भी रेजिस्टेंस सेम आएगा 484। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस अब आपके पास सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे वो दोनों, तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा डबल, यानी 4 4 8 8 8 16, असल रेक 4 4 8 1 9, अब टोटल रेजिस्टेंस ही आ गया। और ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, एक सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, वोल्टेज है 220। अब आपको पावर बता दो, पावर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर कितना हो गया 220, 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 968। अब देखो भाग जाता है, दे लो 11 का इसमें गया 2 बार, 11 का इसमें चला जाएगा, 22 का दे लेता हूँ, 22 का गया 1 बार, 22 चौक 88 8 बज गए, 22 चौक 88, ओके 22 का फिर से इसके अंदर गया 2 बार, तो ऊपर देखो 10 और 10 यानी ऊपर तो हो गया 100 और नीचे आपका आ गया 200/2 यानी 50 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा थोड़ा पीछे जाके। गवर्नमेंट स्टिपुलेट्स लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एम्बिएंट एयर एट 50 यूनिट्स द यूनिट। देखो पर्यावरण होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, उसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है, और ये डिसाइड किया कि जो 50 यूनिट रखी है और किसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रखी है एयर के अंदर। सबसे पहले तो जो देखो यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, एम्बिशियंट एयर क्वालिटी रेफर्स टू द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ एयर सराउंडिंग अस इन द आउटडोर। अपने चारों तरफ जो भी एयर है उसकी क्वालिटी को ये डिनोट करती है, और भारत के अंदर ये कौन मेजर करता है, ये करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है। और ये जो मेजर की जाती है, ये की जाती है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम, ये जो मीटर क्यूब आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम ले रहे हैं अपन, और ये माइक्रो ध्यान देना माइक्रोग्राम लिया नॉट मिली लिया, तो आपको ध्यान में रखनी है। जो 50 यूनिट जो सल्फर 50 यूनिट होती है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा डिसाइड की है, मतलब गवर्नमेंट ने जो सल्फर डाइऑक्साइड की, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गवर्नमेंट ने सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी डिसाइड की है, तो आपको बतानी है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और एक्ट पूछ ले आपसे, ये जो CPCB हैज बीन कन्फर्टेड दिस पावर बाय द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये जीके के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन दैट आर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर मेनली, जो भी अपने टोस्टर होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन होती है, आयरन करते हैं वो टोस्टर हो गए, इनके द्वारा कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है, मतलब उनके अंदर जो लोड होता है वो कौन सा होता है। अपने तीन प्रकार के लोड होते हैं, एक तो होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड जिसमें कोयल होती है, एक होता है कैपेसिटिव लोड, तीन प्रकार के लोड होते हैं। रेजिस्टिव लोड वो होता है जो अपने को हीट प्रोवाइड करवाए, जो हीट दें, जैसे अपना हीटर हो गया, हीटर हो गया उसके अंदर जो कोयल होती है वो कैसा होता है रेजिस्टिव लोड, वो हीटिंग एलिमेंट है, हीट जनरेट करेगा, विद्युत बल्ब है हीट जनरेट करेगा, इसी पूरा टोस्टर है हीट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक आयरन है हीट जनरेट करेगा, तो रेजिस्टिव लोड अपना आंसर हो जाएगा। तो रेजिस्टिव लोड के एग्जांपल टोस्टर हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, अपना हीटर हो गया, सब कुछ। कैपेसिटिव लोड आता है अपने टीवी ट्यूब के अंदर, टेलीविजन के अंदर जो ट्यूब होती है उसके अंदर होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उनके अंदर कैपेसिटिव लोड काम में लिया जाता है। इंडक्टिव लोड की बात करें, अपना जो फैन हो गया पंखा उसका, तो ध्यान में रखना इंडक्टिव लोड फैन, कैपेसिटिव लोड हो गया टीवी ट्यूब वगैरह, और रेजिस्टिव लोड हो गया अपने ये सब कुछ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा रेजिस्टिव लोड, और ये जो रेजिस्टिव लोड है ये एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये जूल्स ला इसको फॉलो करता है, ध्यान में रखना जूल्स ला, जो हीट उत्पन्न होती है वो इस ला यानी जूल का ला बोलते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग अपने को उसमें वो प्रोवाइड करते हैं।
व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के अंदर जल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखो केल्विन के बजाय सबसे पहले आपको सेंटीग्रेड में भी पता होना चाहिए, सेंटीग्रेड में पता हो तो आप केल्विन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे। सेंटीग्रेड के अंदर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछे आपसे, जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन की बात हो रही तो डायरेक्ट 273 केल्विन ऐड कर, 273 ऐड कर दो केल्विन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन और ये हो जाएगा ओनली 273 केल्विन। अगर फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 273, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 373। तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है, तो इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर बनेगा 373। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्यान दे रहा ना, 0 से 100 के बीच के अंदर ये लिक्विड स्टेट में होता है जल। विच प्लैनेट हैज हॉट टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर डोमिनेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ग्रह है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, विनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। तो देखो जो मार्स होता है, मंगल ग्रह बोलते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के अंदर क्या होता है, 78% नाइट्रोजन, तो इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होगी, यहाँ पे दोनों का बता देता हूँ मैं आपको। अर्थ का कंपैरिजन देखो, अर्थ के अंदर अपना नाइट्रोजन होता है 78% और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, CO2 95%। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 कितनी, 95%। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन होती है 1 से 3% के बीच, नाइट्रोजन यहाँ इतनी होगी। बाद में अपने नंबर अर्थ पृथ्वी पे आता है ऑक्सीजन, वो होता है 21%। नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी और CO2 पृथ्वी के ऊपर होती है 0.03%, कहे तो 400 ppm, कल हमने देखा था ppm, 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 0.1 से 4% और आर्गन 1 से 2%। तो ध्यान में रखनी है आपको, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, मार्स मंगल ग्रह के ऊपर, और वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही लाल ग्रह कहलाता है। ओके, मंगल है, इसके जो सैटेलाइट है, चंद्रमा उपग्रह, वो है फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह और सबसे छोटा ग्रह बुध। व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन LiAh4, सोडियम अमलगम एंड NaBH4, इन तीनों के बीच के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। LiAh4 को बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन तीनों के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अपचायक है। अपचायक कैसे हैं, जो भी अपना एल्डिहाइड है उनको एल्कोहल के अंदर ही अपचायित, रिड्यूस कर देते हैं। किसको, जो भी कीटोन्स हो गए वगैरह होते हैं, इनको किसके अंदर करते हैं, एल्कोहल्स के अंदर, ध्यान में रखना एल्कोहल्स के अंदर। जैसे CH3COCl, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे CH3OH, यानी जो भी एल्डिहाइड है उसको एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मैप मेंशन द स्केल 1 cm इक्वल टू 1 km, द स्केल इज इन द रेशियो। मैप होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 किलोमीटर को 1 cm में दर्शाते हैं, तो इनका किस तरीके का रेशियो होगा, सिंपल है। देखो 1 cm इक्वल टू किलोमीटर हो गया, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, और मीटर को फिर से समय में कन्वर्ट कर दिया 100 cm, तो 1 बराबर हो जाएगा 10^5 cm। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1:10^5, सिंपल सा है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे होते हैं उसकी रूट से उसके दूसरे भागों तक कौन सा दिए गए टिश्यू है वो किसको, वाटर को और मिनरल्स को लेके जाता है। ध्यान देना, वाटर और मिनरल्स का पूछा गया है। तो जाइलम होता है, जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, यानी रूट से, रूट से पार्ट्स के अंदर, या बोले तो लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर पहुंचता है, और ये क्या लेके जाता है, वाटर प्लस मिनरल्स। और जो भोजन तैयार हो गया वो वापस कौन लेके आएगा, फ्लोएम। दोनों कैसे टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब दोनों जटिल ऊतक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जटिल ऊतक कौन कौन से है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। बाकी जब जितने भी होते हैं, केरल चाइमा, पेरेनकाइमा, वो सब क्या है, सब टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम और जाइलम दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, अपने जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जाइलम।
एसिड रेन इज कॉल्ड बाई, अम्ल वर्षा होता है किसकी वजह से होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है अम्ल वर्षा। और ये अम्ल वर्षा है वैसे हानिकारक होती है पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए। इन पोर्टेबल वाटर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज स्टिपुलेटेड है, जो पेयजल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है ये अपने को बताना है। तो देखो अगर शुद्ध जल की बात करें, पीएच वैल्यू, पेयजल होता है शुद्ध जल, उसकी पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ये होता है 6.5 से 8.5, पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछिए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पूछिए, ये तो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अपने को बतानी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की होती है 6 mg/L से ज़्यादा, यानी मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगी तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इनको मैच करना है। रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं उनको रिसेप्ट करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। तो ये केमिकल सिग्नल होते हैं, कोई दूसरा आउटसाइड सेल होते हैं वह उसने सिग्नल भेजा, तो ये क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे। ये अणु होते हैं तो ये कहलाएंगे प्रोटीन अणु होते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन अणु। एंजाइम क्या होते हैं, ये कैटलाइज्ड होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स ये दवा का नाम है, जो क्या करते हैं एज ए बेहोशी के लिए काम आता है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव, न्यूरोलॉजिकल के लिए काम होता है, दवा होती है ये। तो अपना जो मैच कहाँ से हो रहा है वो आंसर देख लीजिएगा, ये पहले के अंदर सी, दूसरे के अंदर ए, और तीसरे के अंदर, दूसरे के अंदर ए और तीसरे के अंदर बी, इस तरीके से। विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एलुमिना एज देयर मेन कंपोनेंट, निम्न में से कौन सी चट्टान है जिसके अंदर एलुमिना मेन आयसक होता है, तो एर्गिलेशियस, इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी हिंदी में, और इसके अंदर एल्यूमिना मेन कंपोनेंट होता है। अग्नेय चट्टान कैल्शियस सिलिशियस, तो अपना जो आंसर होएगा एर्गिलेशियस, यानी चिकनी मिट्टी। इनको मैच करना है अपने को। निकल क्या होता है, ब्रास क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज क्या होता है कांसा, ब्रास क्या होता है पीतल, निकल है, तो इनका आंसर बताना है अपने को। तो देखो सी के अकॉर्डिंग होगा, पहले में सी, निकल क्या होगा हार्ड, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड यूज इन प्लेटिंग और स्टील, तो ये ध्यान में रखना प्लेटिंग और स्टील के लिए, स्टील के ऊपर प्लेटिंग के लिए काम में लिया जाता है निकल को। ब्रास किसके लिए काम में लिया जाता है, रेडिएटर के रूप में लिया जाता है और वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए काम में लिया जाता है। ब्रॉन्ज किसके लिए काम में लिया जाता है, वो होता है बियरिंग के लिए, गियर्स के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेस्पॉन्ड टू विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। जो थर्मोडाइनेमिक्स है उसका अपने को एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, यानी ऊर्जा का संरक्षण होता है, उससे संबंधित कौन सा लॉ है। तो पहला लॉ, जीरो लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, पहला किसको करता है, सेकंड किसको करता है, थर्ड किसको करता है। अगर बात करें जीरो लॉ तो वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी दो बॉडी अगर किसी तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों आपस में भी होएगी। फर्स्ट लॉ होते हैं ऊर्जा, न तो उस ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है, वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। तो यही है एनर्जी कंजर्वेशन, तो अपना फर्स्ट लॉ इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये एंट्रोपी से रिलेटेड, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चार लॉ है, जीरो लॉ किसको डिनोट करते हैं, यदि दो बॉडी है किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ मैंने बता दिया एनर्जी वाला हो गया, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ एंट्रोपी से रिलेटेड है। ग्लिसरॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल फॉर्मूला, तो ग्लिसरॉल होता है जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8O3, ये अपना आंसर हो जाएगा। यह प्रोपेन होता है अपना, उसका रूप है, प्रोपेन का रूप है, मेथ है तो प्रोप तीन कार्बन है, तो प्रोपेन का ये रूप हो जाएगा C3H8O3। द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इनटू लॉन्गर चेन इज कॉल्ड, यानी जो एटम्स होते हैं वो परमाणु मिलके, छोटे छोटे परमाणु मिलके एक बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन, कैटेनेशन, श्रृंखलन, एफिलेशन और लिंकेज। तो अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा कैटेनेशन श्रृंखला। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन की चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये अपने कोवलेंसी बैंड के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कार्बन होते हैं, इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, ये फिर से अपने चार कार्बन के साथ में बंध बना लेगा, ये अपने अगले चार के साथ में बना लेगा, इस तरीके से श्रृंखला बनती जाएगी जिसको बोलेंगे कैटेनेशन श्रृंखला। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपने डाउट जरूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।